हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मित्र। आप देख रहे हो क्या मास्टर पॉइंट। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके पास है आईफोन तो आईफोन में जो एंड्रॉयड में डाटा भेजना चाहते हो, आपके आईफोन फोटोज़ वीडियोज एप्लीकेशन वगैरह, तो अगर आप एंड्रॉयड में भेजना चाहते हो तो कैसे भेज सकते हो, सारा का सारा डाटा क्लियर सब कुछ करके, ठीक है। तो आप कैसे भेज सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ऐप स्टोर ओपन करना है। ऐप स्टोर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है जेंडर, ठीक है। तो यहाँ पर जेंडर वाले एप्लीकेशन आपको सर्च करना है। सिंपली की एप्लीकेशन आपको आसानी से मिल जाएगी, इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको आपके एंड्रॉयड मोबाइल में भी सेम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। ये आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा, आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है एंड क्रोम ब्राउज़र में आपको जेंडर सर्च करना है। क्रोम ब्राउज़र से आप जेंडर को डाउनलोड करना है अपने एंड्रॉयड फ़ोन में। एंड्रॉयड फ़ोन में जेंडर इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, दोनों फ़ोनों को कनेक्ट करना है। मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, नहीं तो मैं आपको लाइव दिखा देता, ठीक है। तो ये कनेक्ट करने के बाद आपको आसानी से फ़ोटोज़ एंड वीडियो सेंड कर देना है। एक दूसरे मोबाइल में आसानी से फ़ोटो एंड वीडियो सेंड कर देते हैं, एंड्रॉयड टू आइडिया, एंड्रॉयड टू आईफोन, आईफोन टू एंड्रॉयड। ये मैंने कर रखा है ऑलरेडी भी, लेकिन कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो वो क्या है ना कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, नहीं तो मैं आपको लाइव बता देता, लेकिन एंड्रॉयड जेंडर के मुकाबला और कोई ऑप्शन बेटर नहीं रहेगा।